भाई मेरे चैट जीपीटी से ना लौंडे पता नहीं क्या क्या सर्च कर रहे थे, तो तुम्हारे भाई ने भी आज सर्च कर दिया है। पता है क्या कि फ्लटी लाइंस फ्लटी डायलॉग्स बनाओ चैट जीपीटी, मेरे को भी दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो फ्लटी लाइंस बना करके। तो उसने मेरे को बना के भी दिया, तो वही फ्लटी लाइंस और आपको मैं दिखाने वाला हूँ जो चैट जीपीटी ने आपके लिए बनाया है। हाँ, और मैं उसको वीडियो के फॉर्म में बना के आपको सर्व कर दे रहा हूँ, परोस दे रहा हूँ। उसमें बोलता है ये कुछ फ्लटी डायलॉग्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, हम इस्तेमाल करने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे, बहुत सारी चूतियाँ थोड़ी ना है। तो बोलता है फर्स्ट वाले में, तुम जिस कमरे में जाओगी उसमें सारी की सारी ना उसकी खुशबू से भर जाएगी। अरे किसकी खुशबू से भर जाएगी भोसड़ी, बताना क्या चाहते हो पहले ये तो बताओ। ये चीज़ नहीं बता पाया, ठीक है, कोई नहीं, फीलिंग्स फीलिंग्स होती हैं, कंप्यूटर को फीलिंग्स नहीं आती हैं। तुम्हारी आँखों में एक नशा है, तुम्हारी आँखों में एक नशा है, लेकिन मैंने उसको बोला था, क्या बोला था, कुछ तो नशा है तुम्हारी इन आँखों में, कुछ तो नशा है तुम्हारी इन आँखों में जो मुझे तुमसे प्यार करने के लिए, अरे ऐसे कुछ करके बताया था मैंने, बहुत मस्त था। ऐसा ही कुछ इसमें भी है, तुम्हारी आँखों में एक अलग सा नशा है जो मुझे तुमसे और भी ज़्यादा दिलचस्प बनाता है, तुमको दिलचस्प बनाता है, तुमसे दिलचस्प बनाता है, कहना क्या चाहते हो। अब फोर्थ वाला है, तुम्हारी स्माइल मेरी जान है और जब तुम इतना मीठी मुस्कुराती हो तो मुझे बस तुमसे बात करते रहने का ही मन करता है, समझी। ये भी एक लाइन है जो कि AI ने दिया है, तुम उतनी ही खूबसूरत हो जितना सुबह की लगातार आती हुई किरणें। ये भी अच्छा है, लेकिन ये तो थोड़ा साइंस वाइंस वाला हो गया, तो ठीक है ओके, मुझे तो बस बताना है कि तुम्हें ये चीज़ें लिख के दी है ना। छठे वाले में, तुम्हारी आवाज़ में एक अलग सा जादू है, तुम्हारी आवाज़ में एक अलग सा जादू है जो मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तुम्हारी खूबसूरती के आगे मेरी ज़िंदगी की समस्याएँ मेरे नुन्नू जैसी हैं, छोटी हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें लिखा है तुम्हारी खूबसूरती के आगे मेरी ज़िंदगी की सारी समस्याएँ छोटी है। एट्थ वाला बताने से पहले मैं ये बता दूँ कि तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साले सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, कर लो, क्योंकि तुमको मैं बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, और कैमरा देख के थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ। तुम्हारी आँखें इतनी खूबसूरत हैं कि मैं उनमें खो जाना चाहता हूँ। हाँ, ये वाला थोड़ा अच्छा था, जब तुम मेरे सामने होती हो ना तो मेरी जान निकल जाती है। तो अब ये वाला ना तुम अपने तरीके से थोड़ा बना बना के बोल सकते हो, चैट जीपीटी ने बहुत अच्छा लिखा है। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि चैट जीपीटी हमको क्या समझाना चाहता है और तुम्हारा भाई तुमको क्या समझाना चाहता है। भोसड़ी के चैट जीपीटी अपनी जगह, तुम्हारे भाई के डायलॉग्स अपनी जगह, समझे, वो ज़्यादा बेहतरीन लिखता है।